नमस्कार, एमपी न्यूज कास्ट देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। इसी के साथ अब खबरें विस्तार से। गड़ाकोटा हिंदू नव वर्ष एवं प्रभु श्री राम जन्मोत्सव की तैयारियां लगभग 15 दिवस पूर्व से आरंभ हो चुकी थी। पूरे गड़ाकोटा नगर को राम भक्तों के द्वारा भगवामय कर दिया गया था। पूरे शहर को प्रभु श्री राम के जन्मोत्सव पर दुल्हन की तरह सजा दिया गया था। जब इतनी सारी तैयारियां की जा चुकी थी, फिर दिन आया प्रभु श्री राम की जन्मोत्सव का। इस बार शहर के राम भक्तों में अलौकिक उत्साह देखने के लिए मिला। राम भक्तों के द्वारा पूरे शहर वासियों को ढोल नगाड़ों के साथ पीले चावल डालकर शहर को राम जन्मोत्सव पर निकलने वाली भव्य शोभायात्रा के लिए आमंत्रित किया गया और पूरे ग्रामीण एवं शहर लोगों ने निमंत्रण स्वीकारते हुए अपनी पूरी सहभागिता दी। भक्तों द्वारा जो तैयारियां की जा रही थी, पहले से हो रहा है कि इस बार शहर में बहुत ही भव्यता से प्रभु श्री राम जन्मोत्सव का आयोजन किया जाना है और वैसा हुआ भी। श्री राम जन्मोत्सव के अवसर पर भव्य चल समारोह का आयोजन दिनांक 10 अप्रैल 2022 को फटका चौराहा से किया गया। लगभग एक दर्जन घोड़ा शामिल हुए, जिन पर राम भक्तों के द्वारा भगवा ध्वज पताका लिए हुए थे। एक दर्जन से भी ज्यादा बगिया भी शामिल रही, जिनमें निम्न प्रकार की झांकियां चल समारोह में साथ चल रही थी। जो डीजे लगाए गए थे, उन पर श्री राम भक्त खूब थिरके। क्षेत्र के अखाड़े भी शामिल रहे। क्षेत्र की भजन मंडलियां, ढोल नगाड़े एवं प्रमुख तौर पर प्रभु श्री राम की भव्य प्रतिमा भी चल समारोह की शान बनी रही, जो बहुत मनोरम दृश्य को दर्शा रही थी। एवं प्रभु श्री राम का दरबार भी बहुत ही अलौकिक लग रहा था। बुंदेलखंड के सुप्रसिद्ध गायक डॉक्टर राम सरकार का भी चल समारोह में अनेकों प्रस्तुतियां दी। साथ ही चल समारोह को भव्यता प्रदान करने के लिए संत समाज का समागम, कलश यात्रा एवं बटुक ब्राह्मण भी शामिल रहे। चल समारोह का समापन श्री गणेश मंदिर में किया जाना तय हुआ है एवं प्रसाद वितरण भी गणेश मंदिर से किया गया। प्रभु श्रीराम हुआ जगह जगह पूजन अर्चन। चल समारोह के दौरान जो भगवान श्रीराम की भव्य प्रतिमा चल रही थी, शहर के अनेक स्थानों पर माताएं बहने अपनी अपनी थाल्ये प्रभु का पूजन अर्चन करते हुए नजर आईं। साथ में श्री राम भक्त जो समारोह में साथ चल रहे थे, उनका भी स्वागत अनेकों जगह पर किया गया। देखा गया कि शहर के प्रमुख मार्ग जहां से शोभा यात्रा निकली, वहां पूरी चल समारोह पर पुष्प वर्षा भी की गई। गड़ाकोटा उमेश तिवारी।